जी सॉरी, यहाँ अगर अपन डेफिनेशंस देखें, अगर बच्चे की डेफिनेशन देखें, तो कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है, वो चाहे अडॉप्टेड हो, स्टेप हो या फोस्टर चाइल्ड हो, वो सारे बच्चे की डेफिनेशन में यहाँ पे आते हैं। फिर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होती है? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो एक मेन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जिसमें जो कि प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू जो है बनाई जाती है। इस रिपोर्ट के अंदर जो लोग रह रहे हैं, है ना, तो उनके बारे में, उसके बारे में जो एग्रीव्ड पर्सन के पर्सन जो है, उसके बारे में जो डिटेलिंग देता है, वो रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट जो है उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, तो दैट इज डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। डोमेस्टिक रिलेशन की बात, रिलेशनशिप की बात करें, तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में ये जब भी कोई एक से ज्यादा ही आदमी रह रहा है, तभी वो कोई एग्रीवेशन की बात है। तो वो शेयर हाउसहोल्ड में जो जो लोग रह रहे हैं, उनका चाहे दे मे हैव मैरिज ब्लड ज्वाइंट फैमिली और एनी अदर रिलेशंस, है ना। एडॉप्शन में भी कोई होता है तो वो भी इसका अंदर पार्ट है, और लिव इन रिलेशनशिप्स में भी है तो वो भी इसका पार्ट है। तो वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप उसको डिफाइन कहते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? तो देखो, डोमेस्टिक वायलेंस की अगर अपन बात करें, तो इसमें चार मेजर चीजें हैं, जैसे बॉडीली हार्म किसी वुमेन के साथ, फिर मेंटल अब्यूज, इकोनॉमिकल अब्यूज, हार्मिंग हर हेल्थ और बॉडी पार्ट्स विच कैन कॉज थ्रेट टू हर लाइफ। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसको डोमेस्टिक वायलेंस, इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो आप अगर इसके अंदर पर्टिकुलर टर्म्स लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। शेयर हाउसहोल्ड के ऊपर ने बात करी, शेयर हाउसहोल्ड से मतलब है कि जिस जगह पे वो एग्रीव पर्सन रहता है ना, और वो किसी रिस्पोंडेंट के साथ में जहां वो रह रहा था या रहता था, वो चाहे उसके द्वारा, खुद के द्वारा ओन्ड हो या टेनेंटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हाउसहोल्ड जो है वो दैट विल बी कॉल्ड एज शेयर हाउसहोल्ड। अगर अपन प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी की बात करें, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है, एक या एक से अधिक प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो लगा सकती है। ये मजिस्ट्रेट को अपनी ड्यूटीज जो है वो शेयर करता है, उसको असिस्ट करने में असिस्ट करता है। जो एग्रीव वुमेन है, वो शी कैन कॉन्टेक्ट दी प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो उसकी रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा, उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा, मेडिकल हेल्प अगर चाहिए तो वो प्रोवाइड करेगा, लीगल एड प्रोवाइड करेगा, उसको उसके राइट्स के बारे में इन्फॉर्म करेगा, और मैंने जैसे आपको बताया कि वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट भी बनाएगा। अब किस किस तरीके के ऑर्डर्स इसके अंदर निकलते हैं वो अपन देख लेते हैं। इसमें यहाँ गलती से प्रोटेक्शन और ऑर्डर में डिफरेंस आ गया। जो प्रोटेक्शन ऑर्डर निकलता है, रेसिडेंस ऑर्डर निकलता है, कस्टडी ऑर्डर निकलता है, मॉनेटरी रिलीफ निकलता है, कंपनसेशन ऑर्डर निकलता है और पेनल्टी निकलता है। तो मैं सारे ऑर्डर्स को एक बार फटाफट फटाफट बता देता हूँ कि क्या होता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर में मतलब ये है कि कोई भी वायलेंस का एक्ट जो है वो फ्यूचर में उस पर कमिट नहीं किया जाएगा। वो एक्यूज जो है उसको, ही मे बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम मीटिंग, ही और शी जो भी है, प्रोहिबिटेड फ्रॉम मीटिंग दी वुमेन। जो एक्यूज है उसको मे बी प्रोहिबिटेड फॉर विजिटिंग दी वर्क प्लेस और एजुकेशनल प्लेस। उसको कोई एसेट्स जो है उनके वो बेचने के लिए, या बैंक अकाउंट या लॉकर वॉकर यूज करने के लिए भी रोका जा सकता है। साथ ही साथ में उसको कोई, वो ही शेल नॉट थ्रेटन दी वुमेन और उसके रिलेटिव्स, है ना। फिर दूसरे तरीके का एक ऑर्डर होता है, वो होता है रेसिडेंस ऑर्डर्स। रेसिडेंस ऑर्डर में क्या होता है, रेसिडेंस ऑर्डर ये कहता है कि भाई अगर वो वुमेन के साथ में आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और वायलेंस वायलेंस का एक्ट हो रहा है, तो भी वो अगर इस तरीके का ऑर्डर पास होता है, तो उसमें ये कह रहा है कि आप उसको, वो उसी घर में रह सकती है, दैट इज अ राइट, है ना। लिविंग इन शेयर हाउसहोल्ड इज द राइट ऑफ द वुमेन, तो उसको इस राइट से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। उसकी जो जिस पार्ट में वो रह रही है घर के, तो एक्यूज्ड और उसकी फैमिली जो है उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है कि वो वहां विजिट ना करे। उनको जो एक्यूज्ड है उनको वेकेट करने के लिए भी कहा जा सकता है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि वो वुमेन जो है वो किसी और रेंटेड हाउस में रह ले, या कहीं और किसी और स्टैंडर्ड तरीके के मकान में, या कहीं और जाके रहना चाहे तो वो रह सकती है, बट उसका जो जो किराया है वो एक्यूज्ड उसको पे करेगा। कस्टडी ऑर्डर है ना, जिस कस्टडी ऑर्डर में क्या होता है कि वुमेन को जो है वो चाइल्ड की जो कस्टडी है वो ग्रांट की जा सकती है। मॉनेटरी रिलीफ में ये है कि कोर्ट में ऑर्डर
कि जो रेंट है, ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस है, लिविंग एक्सपेंसेस है, मेडिकल एक्सपेंसेस है वुमेन के और चाइल्ड के, वो भी उस एक्यूज पे करेगा। कंपनसेशन ऑर्डर में, कंपनसेशन ऑर्डर में ये है कि कोर्ट में ग्रांट कंपनसेशन टू द वुमेन फॉर फाइनेंशियल लॉस, लॉस ऑफ इनकम और अगेंस्ट मेंटल और इमोशनल अब्यूज, इस तरीके का कुछ है। पेनल्टी, अगर पेनल्टी की बात करें, अगर रिस्पोंडेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच करता है देन उसको ₹20,000 या इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर उस पर लगाया जा सकता है, दोनों भी लग सकते हैं। वो अपनी, और प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में फेल हो जाता है तो वो उस पर भी, ये लॉ जो है स्ट्रिक्ट है और वो कहता है कि उस पर भी ये पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी विच इज विच वॉज रिलेटेड टू डीबीए। अब अपन चलते हैं आगे, सेक्सुअल हेरासमेंट एट 20 एट वर्क प्लेस 2013 का जो एक्ट है, विशाखा गाइडलाइंस के बेसिस पे बना हुआ था, तो उसमें कौन कौन से ऐसे मेजर टर्म्स हैं वो अपन देखते हैं। एग्रीड वुमेन की अगर अपन बात करें तो अगर कोई किसी वुमेन के साथ में सेक्सुअल हेरासमेंट हो रहा है वर्क प्लेस में तो वो शी विल बी कंसिडर्ड एज एन एग्रीव्ड वुमेन, है ना। डोमेस्टिक मेड है, अगर उसको सेक्सुअली हरास किया जाता है उसके काम के स्थान पे तो वो भी इसके अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब यहाँ कोई भी इन द सेंस कि बहुत सारे अलग अलग टर्म्स में एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो हेड ऑफ द ऑफिस की बात कर रहे हैं, प्राइवेट ऑफिसर की बात, ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं तो इंचार्ज ऑफ दैट ऑफिस की बात कर रहे हैं, है ना। डोमेस्टिक मेड की अगर अपन बात कर रहे हैं तो जिसके घर में वो काम कर रही है वहां पे वो उसको एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाएगा। रिस्पोंडेंट जिस कोई भी जिसके साथ सेक्सुअल हेरासमेंट हुआ है या जिसने जिसने सेक्सुअल हेरासमेंट किया है, सॉरी हुआ है नहीं, प्रतिवादी की बात कर रहे हैं, रिस्पोंडेंट कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की गई है तो वो रिस्पोंडेंट होगा। अब आता है सेक्सुअल हेरासमेंट की बात, अगर अपन बात करें तो सेक्सुअल हेरासमेंट में क्या क्या चीजें हैं इंक्लूड्स, तो उसको आप P2GFC से याद कर सकते हो, मतलब P2GFC। PP से मतलब है पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाना, फिजिकल कॉन्टैक्ट। जी से अगर मैं बात करूं तो वर्बल और जेस्चरल बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल नेचर। एफ से अगर अपन बात करें तो डिमांडिंग सेक्सुअल फेवर्स। एंड सी से अगर अपन बात करें तो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। तो ये सब एस्पेक्ट्स जो हैं ये आपके सेक्सुअल हरासमेंट के डेफिनेशन में आते हैं। अब इसको हटाने के लिए या इसको इस पे लगाम कसने के लिए कुछ कमिटीज बनाई है, जो मैकेनिज्म है वो डेवलप किया है, वो क्या है। जैसे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है जहां पर भी 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयज होंगे वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी। कौन बनाएगा? एम्प्लॉयर बनाएगा। इसमें सीनियर वुमेन ऑफिसर होने चाहिए, प्लस 3 लोगों का जो है मेंबर्स जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। एक एनजीओ से होनी चाहिए, मेजोरिटी जो है वो वुमेन की होनी चाहिए। दूसरी कमेटी जो है वो लोकल कंप्लेंट कमेटी है, वो डीएम बनाएंगे, उसके अंदर एक चेयरपर्सन और मेंबर होना ही चाहिए। जनरली कोई वुमेन ऑफ रिप्यूट जो है उसको बनाया जाता है। एनजीओ से एक मेंबर होना चाहिए, लोकली एम्प्लॉयड वुमेन होनी चाहिए, मेजॉरिटी वुमेन, क्योंकि वुमेन के बारे में ही अपन बात कर रहे हैं तो उस सारी चीजों को वहां कंसिडर किया गया। टी बॉक्स एक नया इनोवेशन समझ लीजिए आप, तो जिसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स एक टर्म है, शी बॉक्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ने डेवलप किया है। इसमें इसका काम क्या है कि सिंगल एक्सेस प्रोवाइड करना हर एग्रीव्ड वुमेन को, तो ये पोर्टल के थ्रू जो है अपनी जो पीड़ा है या अपने साथ जो घटना जो हैरासमेंट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन कंसर्न अथॉरिटी को दे सकती है। तो ये कुछ टर्म्स थे विच वॉज रिलेटेड टू ये सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस रिलेटेड एक्ट। अब कुछ जो टर्म्स अपन देखते हैं वो पॉक्सो से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड टर्म्स हैं। यहाँ पे जो चाइल्ड की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लेस देन 18 ईयर्स है, है ना। चाइल्ड की एज जो है इफ इट इज लेस देन 18 ईयर्स, मैंने यहाँ पे जो ग्रेटर ग्रेटर देन का साइन बनाया वो गलत बनाया, ये ग्रेटर देन का साइन बना दिया, वो लेस देन 18 ईयर्स है। सेक्सुअल असॉल्ट को अगर अपन डिफाइन करें तो सेक्सुअल असॉल्ट भी जो है वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। सेक्सुअल हैरासमेंट की अगर अपन बात करें तो जिसके अंदर आप किसी भी तरीके का इलिसिट मटेरियल अगर बच्चे को दिखा रहे हो, अब्यूसिंग लैंग्वेज
बोलते हुए या उसके साथ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, उसको सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स या कोई ऑब्जेक्शनल जेस्चर दिखा रहे हो, तो ये सब भी सेक्सुअल हैरासमेंट का पार्ट है। अब चाइल्ड के साथ में क्या क्या, चाइल्ड को राइट क्या क्या दिए रखे हैं इसके अंदर, वो अपने सेक्सुअल ऑफेंस की से रिलेटेड जो कंप्लेन है वो लॉज की जा सकती है, उसको जब भी उसकी पेशी होगी तो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह नहीं होगी, एक फैमिली एटमॉस्फेयर में होगी, बच्चे के साथ में। बाल मित्र योजना, राजस्थान में बाल मित्र योजना भी जो है वो लागू की गई है, जिसके अंदर सपोर्ट पर्सन जो है वो अपॉइंट किया जाता है, उसको कंपनसेशन एंड कस्टडी के अंदर कंपनसेशन और कस्टडी भी प्रोवाइड की जाती है इफ ही रिक्वायर्स। मेडिकल एग्जामिनेशन उसको मेडिकल हेल्प फिजिकल इंजरी होने पे किया जाता है, और ये सब जो चीज की जाती है ये सब इस तरीके के माहौल में की जाती है जिससे बच्चे को ये नहीं लगे कि उसके साथ में कुछ गलत हुआ है, मतलब एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाया जाता है सो दैट बच्चा अपनी बात को अच्छे से और खुल के कह सके, है ना। तो ये और उस पर कोई मेंटल प्रेशर क्रिएट ना हो, तो ये सारी जो चीजें हैं दैट कम्स अंडर पॉक्सो एक्ट 2012। अब एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। चाइल्ड लेबर की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो चाइल्ड की डेफिनेशन उसमें लेस देन 14 ईयर्स मानी गई है। एडोलेसेंट की जो बात है वो उसमें 14 से 18 ईयर्स की एज के बीच में माना गया है। कौन सी दो कंडीशन है जिसके अंदर चाइल्ड काम कर सकता है, एक तो अगर वो फैमिली बिजनेस में काम करता है आफ्टर स्कूल आवर्स, और दूसरा किसी आर्टिस्टिक या टैलेंट रिलेटेड वर्क में अगर वो काम करता है तो वहां काम कर सकता है, बट ही कैन नॉट वर्क इन सर्कस, है ना। और उसकी एजुकेशन जो है वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए, वैसे भी राइट टू एजुकेशन लागू किया जा चुका है 6-14 के लिए। पेनल्टी ठीक है। पेंसिल एक प्लेटफॉर्म है जो कि कंप्लेन चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है। चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड जो है वो चाइल्ड को केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए जो है इस तरीके का फंड कंस्टिट्यूट किया गया है, और इसमें ICPS करके एक और टर्म है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, जिसके थ्रू भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे संरक्षण के और रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस जो है चलाती रहती है जेजे एक्ट के अंदर। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे विच वाज रिलेटेड टू चाइल्ड। अब एक और जो एडिशन है अब की बार के सिलेबस में वो है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स इन सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, वृद्धजन और वृद्धजनों से रिलेटेड, माता पिता और वृद्धजन का वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम। इसमें चिल्ड्रन की डेफिनेशन क्या है, सन एंड डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंडडॉटर, जो भी माइनर है उसको एक्सक्लूड करके ये सारे जो है वो चिल्ड्रन ही काउंट करते हैं। पेरेंट जो बताया गया है उसमें पेरेंट में फादर एंड मदर, बायोलॉजिकल हो, स्टेप हो, अडॉप्टिंग हो, कोई भी हो, इसको पेरेंट की डेफिनेशन में इसको लिया गया है। सीनियर सिटीजन से मतलब है उनका कि जो लोग 60 साल से उम्र ज्यादा हो चुकी है। मेंटेनेंस में मतलब क्या क्या है, मेंटेनेंस के अंदर अनुरक्षण से मतलब ये है कि इसके लिए पहले तो जो सीनियर सिटीजन है या मदर फादर है वो खुद या अपने किसी रिलेटिव या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल जो है वो सुओ मोटो भी इस पे एक्शन ले सकती है, है ना। पहले एक बार वो एप्लीकेशन जैसी मिलेगी तो ट्रिब्यूनल जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी दोनों पार्टीज को कि वो अपनी बात रखें, उसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर डिसीजन पे जनरली वो अराइव कर जाते हैं। वेलफेयर से जो डेफिनेशन है, वेलफेयर कल्याण की डेफिनेशन, कल्याण से मतलब ये है कि भाई उनका जो फूड है, उनका जो हेल्थ है, उनको जो एंटरटेनमेंट है, ये सारी चीजें जो है उनको रिक्रिएशन सेंटर्स आदि चीजें प्रोवाइड करना। अब एक बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट जो लॉ है वो है RTI। बहुत सारी चीजें आपको पता भी होंगी तो इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी ये सब मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ। रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है कि जिससे जैसे यूनिटी इंटीग्रिटी एंड मोरल जो है उस कंट्री का उस पर इम्पैक्ट हो रहा हो तो वो चीज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं किया जा सकता जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, है ना, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाता है तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज की जाएंगी। जो किसी का कॉपीराइट और ट्रेड सीक्रेट जो है किसी पर्सन का उसको इन्फ्रेंच करता है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जिससे खतरे में आती है ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अब्रॉड से मिली है, है ना, जैसे भी आपने देखा होगा कि बीच में काले धन से रिलेटेड बहुत सारी डिबेट्स चल रही थी तो वो इन्फॉर्मेशन किस किस का नाम है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं की गई थी बिकॉज वो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के थ्रू कॉन्फिडेंशियली मिली थी। तो वो उसमें गवर्नमेंट ने फिर ये रिस्पॉन्स दिया था कि भाई हम
सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिकॉज ट्रस्ट पे उन्होंने हमसे शेयर की है तो उसको हम नहीं शेयर कर सकते। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं, थर्ड पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साइबर लॉज में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं और टू मार्कर क्वेश्चन इसमें बहुत आसानी से बन जाता है। साइबर बुलिंग क्या होती है, जिसमें हैरासमेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू। स्टॉकिंग मतलब किसी पे नजर रखना या घूर्त मतलब उसका पीछा करना, इस तरीके से स्टॉक करना। ग्रूमिंग जो है वो ऑनलाइन रिलेशनशिप का तरीका है, जिसमें ट्रिक और सेक्सुअल एक्ट के थ्रू ट्रिक और प्रेशर ट्रिकिंग करके या प्रेशर क्रिएट किया जाता है। ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन जो है किसी को, आपने भी देखा होगा बहुत सारे न्यूज इस तरीके की अपन रोज देख रहे हैं अखबारों में, कि जहां पे कोई फोन करता है और उसके बाद फिर वो कुछ ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी में या उस इमेज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जो है इस तरीके से आपस में इमेज शेयर करके फिर उनको उनसे पैसा जो है एक्सटॉर्ट किया जाता है। तो इस तरीके के कई सारे गैंग्स चल रहे हैं, तो वो सेक्सुअल सेक्सटॉर्शन का पार्ट है। इसी तरीके से डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कई बार आपने सुना होगा, तो वो क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा स्पैमिंग कर देते हैं और एकदम से मतलब वो जब अपन जो एक्सेस करना चाहते हैं वो चीज एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके के जो अटैक्स होते हैं वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं। क्रिप्टो जैकिंग एक टर्म है, जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो तो क्रिप्टो करेंसीज जो है वो माइन की जाती है, तो उसमें बहुत सारा रिसोर्सेज जो है वो कंप्यूटर का लगता है। तो जब माइन करते हैं तो जो ये इस तरीके की हैकिंग होती है उसके अंदर वो आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज यूज करके अपने लिए जो है क्रिप्टो माइन करना शुरू कर देते हैं। तो दीज एस्पेक्ट्स आर कॉल्ड एज क्रिप्टो जैकिंग। ठीक है, ये कुछ और टर्मिनोलॉजीज है, मैं उसको आगे स्किप करके चल रहा हूं क्योंकि कॉपीराइट क्या होता है, कॉपी लेफ्ट क्या होता है। कॉपी लेफ्ट जो होता है वो मतलब जब कोई क्रिएटर अपनी चीज से कॉपीराइट हटा देता है, किस लिए, मैक्सिमम पब्लिक बेनिफिट के लिए, तो उसको हम कॉपी लेफ्ट कहते हैं, है ना। और कोई फिर इस पे कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता और ना ही उससे रिलेटेड कोई क्रिएशन या जो उसपे बनाई हुई क्रिएशन उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकता। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आप लोगों ने खूब पढ़े भी हैं और उसको बहुत करंट अफेयर्स का बहुत फेवरेट पार्ट भी है। तो स्पेशल आइडेंटिफिकेशन है, आप लोग इसमें एग्जांपल्स भी लिखिएगा अपने तरफ से कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो राजस्थान से रिलेटेड हैं स्पेशली, और कितने जो जीआईएस जो है वो राजस्थान ने दिए हैं। एवरग्रीनिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी पेटेंट होल्डर जो होता है वो अपने पेटेंट में छोटा सा ट्वीक करके उसको नए इन्वेंशन बता के वापस से उसका पेटेंट लेने की कोशिश करता है, तो दिस इज कॉल्ड एज एवरग्रीनिंग, है ना। तो वो इस पे कई सारे डिबेट्स इंडिया में होते रहे हैं और अभी स्पेशली मेडिकल एस्पेक्ट्स में बहुत सारे नेक्सावर और इसके जो इश्यूज हैं ग्लिवैक के और इसके वो रिलेटेड थे एवरग्रीनिंग से। अब अपन जंप कर जाते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आपको आप लोगों को काफी परेशान भी करता है, वो पार्ट है रिलेटेड टू राजस्थान लैंड एक्ट्स, है ना, लैंड रिलेटेड एक्ट्स। तो इसमें जैसे अपन ने देखा कि दो एक्ट हैं जो मेजर एक्ट्स हैं, एक तो टेनेंसी एक्ट और दूसरा एक्ट जो है वो है आपका राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो इसमें कुछ टर्म्स मैंने आपको वैसे भी दे ही दिए, पर मैं आपको और भी इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं तो उसको अपन एक बार फटाफट डिटेल में टेनेंसी एक्ट को देख लेते हैं। टेनेंसी एक्ट में अगर अपन एग्रीकल्चर ईयर की बात करें तो इसमें वो ईयर जो 1st of July से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 30th of June को खत्म हो जाता है। एग्रीकल्चर से मतलब हॉर्टिकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट, ये 5 एस्पेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। बिस्वेदार से मतलब क्या है, बिस्वेदारी सिस्टम के अंदर जो जिस आदमी ने कोई एक पोर्शन पे जो है सेटल हो रखा होता है उसको बिस्वेदार कहते हैं। ठीक है, इजरा और ठेका एक टर्म जो है वो यूज होता है, जो फार्म और लीज जो जिसको ग्रांट की गई होती है फॉर कलेक्शन ऑफ रेंट, दैट इज कॉल्ड एज इजरा और ठेका। खुद काश्त मतलब लैंड इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट कल्टिवेटेड पर्सनली बाय एन स्टेट होल्डर, मतलब खुद काश्त नाम से ही क्लियर है कि जो खुद काश्तकारी करता है वो खुद काश्त वो जगह है। सायर जो है वो इंक्लूड है, वो उसका मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स व्हाटएवर इज टू बी पेड बाय लीसी और लाइसेंसी ऑन अकाउंट ऑफ द राइट टू गैदर फ्रॉम अनऑक्यूपाइड लैंड सच प्रोड्यूस एज
ग्रास, थैचिंग ग्रास, वुड फ्यूल्स, फ्रूट्स, गम, पन्नी, वाटर नट्स एक्सेट्रा, है ना। फिर एक टर्म आता है, वो है नल बात। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जब पेमेंट जो है वो कैश और काइंड में किसी ओनर को दिया जाता है, किसके ओनर को, एक वेल के ओनर को, फॉर जिससे कि वो इरिगेशन कर सके, तो वो जो है दैट इज कॉल्ड एज नल बात। ट्रेसपासर, यहाँ स्पेलिंग गलत लिख दी है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो एक है कि प्राइमरी राइट्स क्या है, क्लासेस ऑफ टीनेंट्स की बात करें तो खातेदार टीनेंट्स हैं, मलिक्स हैं, मलिक्स हैं, टीनेंट्स ऑफ खुद काश्त हैं एंड गैर खातेदार टीनेंट्स हैं, है ना। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं विच इज रिलेटेड टू दी टेनेंसी एक्ट। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अपन देखते हैं। अब इसके अंदर जो प्राइमरी राइट्स की अगर अपन बात करें टेनेंसी की, तो राइट टू रेसिडेंशियल हाउस, राइट टू रिटर्न लीज एंड इट्स काउंटर पार्ट्स, जो अटेस्टेशन ऑफ लीज इन लियो ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोहिबिशन ऑफ प्रीमियम और फोर्स लेबर, है ना, उसको जबरदस्ती फोर्स बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती, प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट अदर देन रेंट, राइट टू यूज द मटेरियल इन कनेक्शन विथ हिज रेसिडेंशियल हाउस, एक्विजिशन ऑफ राइट टू नल बात। तो ये सब जो है राइट्स हैं टेनेंट्स के। अब अगर अपन बात करें कि इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं, जैसे विच इज रिलेटेड टू, जैसे ट्रीज के अगर अपन बात करें, ट्री के बारे में क्या स्पेशली एक चैप्टर ही है पूरा इस एक्ट के अंदर। तो टीनेंट जो है वो मे प्लांट ट्रीज ऑन हिज होल्डिंग प्रोवाइडेड दैट सच ट्रीज डू नॉट डिमिनिश द प्रोडक्टिव वैल्यू ऑफ द लैंड, है ना। मतलब वो कोई पेड़ उगा सकता है, पर वो उसको ये ध्यान रखना होगा कि वो जो उसकी प्रोडक्टिव वैल्यू है उस लैंड की, उसको वो खत्म नहीं करता वो ट्री, है ना। एंड सच टीनेंट कंटिन्यूज टू पे द फुल रेंट ऑफ द होल्डिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई गैर खातेदार टीनेंट है, ही मे रिमूव दी ट्री स्टैंडिंग ऑन हिज होल्डिंग फॉर हिज ओन डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर पर्पज विद द परमिशन ऑफ तहसीलदार, ठीक है। और खातेदार टीनेंट जो होगा, वो खातेदार टीनेंट होल्डिंग लैंड बिलो दैट सीलिंग एरिया मे रिमूव ट्री स्टैंडिंग ऑन हिज होल्डिंग फॉर एनी पर्पज, मतलब वो अपने काम, अपनी उसकी आवश्यकता है, उसको सीलिंग एरिया से अगर जो भी नीचे है तो उस काम में वो अपने वहां अगर कोई पेड़ लगे हुए हैं तो वो उनको हटा सकता है। फिर अगर अपन ग्रूव होल्डर्स की बात करें, तो ग्रूव होल्डर्स एक टर्म है, ग्रूव होल्डर्स को मैं हिंदी में देखता हूँ ग्रूव भूमि कहते हैं वैसे तो उसमें क्या होता है कि वो दे मे कट सेल और रीप्लांट ट्रीज, है ना, उनको इम्प्रूव करने का राइट होता है। वो सेल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, मोर्गेज कर सकते हैं अपनी लैंड होल्डिंग को। ही कैन कलेक्ट और सेल द प्रोड्यूस एंड कैन ऑल्सो गिव इज लैंड होल्डिंग फॉर लीज फॉर 3 ईयर्स। तो ग्रूव होल्डर्स के बारे में ये बात है। इजारेदार और ठेकेदार की अगर अपन बात करें, तो उनके पास में कई तरीके के राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू सू फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द रेंट ऑफ द इजेक्टमेंट ऑफ अ टीनेंट, है ना, राइट टू मेक एनी इंप्रूवमेंट, राइट टू कट ट्री एक्सेट्रा। अगर इजारेदार अपना रेंट पे नहीं करता है, देन ही कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम हिज लैंड होल्डिंग, अदरवाइज ही कैन ऑल्सो सरेंडर हिज राइट्स ऑन लैंड होल्डिंग। तो दीज आर फ्यू ऑफ द एस्पेक्ट्स विच वॉज रिलेटेड टू दी टीनेंसी एक्ट। अब जो लास्ट एक्ट और इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन ही सबसे पहली लाइन में ही लिखा हुआ था इसके, वो था नजुल लैंड। तो नजुल लैंड के बारे में अपन बात करें तो वो एक आबादी क्षेत्र है जो कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत सर्कल और विलेज और टाउन और सिटी के लिमिट्स में आता हो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। फिर अपन कुछ टर्म्स और देखते हैं, जैसे इसके अंदर क्या होता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात है, तो इस लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात हो रही है, तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो पावर है वो लैंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर्स की बात करते हैं पहले, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे स्किप करते हुए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, रिविजन एंड रेफरेंस है राजस्थान में। तीन चीजें याद रखना, अपील, रिविजन एंड रेफरेंस।
जनरल सुपरिटेंडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोड्स, नीचे जितने भी उसके रेवेन्यू कोड्स होते हैं उनको एक बार उसको उसके ऊपर कंट्रोलिंग करता है, मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, क्वेश्चंस अगर कोई इस तरीके का चीज होती है तो उनको वो हाई कोर्ट भी भेज सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में अपना डिसीजन उसका होता है, मेंटेन करता है रजिस्टर बुक्स एंड अकाउंट्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स बिजनेस। ठीक है, अब रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स की अगर अपन बात करें तो कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स की अगर अपन स्टेट लेवल देखें तो सेटलमेंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर होता है, लैंड रिकॉर्ड डायरेक्टर होता है, एडिशनल डायरेक्टर होता है। डिवीजन लेवल पे बात करें तो डिवीजन में कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपन बात करें तो कलेक्टर होता है, एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होता है, सेटलमेंट ऑफिसर होता है और असिस्टेंट कलेक्टर होता है। फिर इसके नीचे रेवेन्यू का सिस्टम में अगर अपन देखें तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार आते हैं। रेवेन्यू अपीलिएट अथॉरिटी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट कितने भी नंबर के ऑफिसर्स को जो है जो नॉट लेस देन 3 को जो है अपॉइंट कर सकती है, तो किस लिए, रिसीव हियर एंड डिस्पोज ऑफ अपील्स। अब कोई भी इसके पास अपील आती है तो उसको सुनने, उस पर एक्शन लेने, उसको उसको लेने का ये सारा जो पार्ट है ये रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी का है। सेटलमेंट कमिश्नर जो है इज इन चार्ज ऑफ ऑल मैटर रिलेटेड टू सेटलमेंट थ्रू आउट द स्टेट। ठीक है, अब इसमें सदर कानून गोज, गिरदावर कानून गोज, पटवारी, इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है वो नीचे आपके बने हुए हैं स्टेट उसमें। अब अगर अपील रेफरेंस रिविजन एंड रिव्यू की बात करें तो अगर कोई तहसीलदार ने किसी ऑर्डर दे दिया तो उसको उसको उसके अंदर 30 दिन के अंदर उसके ऊपर कलेक्टर को अपील कर की जा सकती है, उसको सुनने का अधिकार है। किसी रेवेन्यू कोर्ट ने 60 डेज में, रेवेन्यू कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी उसको 60 डेज में सुन सकती है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है उसके रेवेन्यू के मैकेनिज्म के। इसके अलावा जो है कई सारी टर्मिनोलॉजीज आती है, जैसे अभी अपन ने यहां देखा खेवात है, माफी रजिस्टर है, खतौनी है, ये कुछ अलग अलग तरीके के जो है वो रजिस्टर्स जो है मेंटेन किए जाते हैं। तो इनकी डेफिनेशंस जो है वो यहाँ पे मैंने आपके साथ में शेयर की है, है ना। म्यूटेशन क्या होता है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स और एनुअल राइट्स के ऊपर जो है क्वेश्चन आ गया था लास्ट टाइम, जिसके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर खेवात, खतौनी ये सब जो है इसके पार्ट है। रेवेन्यू बोर्ड को अपन डिस्कस कर चुके हैं। अपील प्रोविंसेस में मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर ओरिजिनल ऑर्डर है तो उसका अगर अपील है तो अगर कोई एसडीएम तहसीलदार ने उस पर ऑर्डर दिया है तो उसको कलेक्टर सुनता है, कलेक्टर ने दिया है तो रेवेन्यू अपीलेट अपील अथॉरिटी सुनती है। कई बार अपील पे भी अपील होती है तो अपीलेंट, जैसे कलेक्टर ने जो अपील सुनी थी उस पर रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी पे चले गए, अपील अथॉरिटी पे चले गए, और अगर रेवेन्यू अपील अथॉरिटी ने कुछ दे रखा है तो उस पर आप रेवेन्यू बोर्ड पे जा सकते हो। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे विच इज रिलेटेड टू लॉ, और मुझे लगता है कि इसको आप अच्छे से कर लोगे, और जो पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर की है उसको भी आप अच्छे से कर लोगे तो आपके लिए वो सफिशियंट होगा प्रिपेयर करके जाना। तो थैंक यू, आई होप कि ये आपको जो सेशन है ये आपको पसंद आएगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऑल द बेस्ट।